नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अमेठी और रायबरेली में रैलियां करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल गांधी फिलहाल केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी कि दूसरे चरण में चुनाव संपन्न होगा। वायनाड से मौजूदा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा से है। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती हैं तो ये उनका पहला चुनाव होगा। वायनाड सीट पर मुकाबला खत्म होने के साथ अब सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी पर होंगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से वो एक बार फिर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इससे पहले 3 बार अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले भतीजे तेज प्रताप का टिकट काटकर अखिलेश स्वयं मैदान में उतर गए। उम्मीदवार में बदलाव किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक भी इस सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। दोनों उम्मीदवारों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में अब यूपी में लोकसभा के चुनाव दिलचस्प हो गया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सीट की सियासत कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि अमेठी, रायबरेली, कन्नौज तमाम कुछ ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट तो है ही, साथ ही साथ कई पार्टियों का गढ़ भी माना जाता है। अमेठी और रायबरेली को साफ तौर पर कहा जाता है कि ये गांधी परिवार की मिल्कियत है, गांधी परिवार की यहाँ पर विरासत रही है, ज्यादातर गढ़ माना जाता है अमेठी और रायबरेली को। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अमेठी और रायबरेली पर इतना दमखम लगाने पर गांधी परिवार के चहेतों को उतारने के बाद किस तरह से जीत हासिल की जा सकती है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। अमेठी में राहुल बनाम स्मृति, राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी को चुनौती देंगी। राहुल गांधी 1 मई को कर सकते हैं नामांकन। 27 अप्रैल को हो सकता है नामों का ऐलान। अमेठी सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। 1967 से हुए आम चुनावों में 13 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है। 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी लगातार यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी से राहुल को हार का सामना करना पड़ा था। इस समय राहुल गांधी केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद हैं। वायनाड से भी राहुल गांधी लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी को देंगे चुनौती। राहुल गांधी 1 मई को कर सकते हैं नामांकन। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको अमेठी की जो पूरी स्थिति है वो समझाने की कोशिश की है कि 27 अप्रैल को नामांकन किया जा सकता है। अमेठी सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है और कई बार यहां से कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती आई है। बात अगर पिछले आम चुनावों की कर लें तो 1967 से हुए आम चुनावों में 13 बार कांग्रेस और 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी लगातार यहां से जीतकर संसद पहुंचे। 2019 के चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल को हराकर सामना किया था और इस समय राहुल गांधी केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद हैं। तो
उसी पर बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कैप्टन आई सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कैप्टन आई जी आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर स्नेहा शीश वर्धन पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ गई है, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत स्नेहा शीश जी आप ही से करेंगे। जब तो बुलाया गया तब तो आप गए नहीं अयोध्या, और अब इसी बात को अमित शाह लगातार दोहरा रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली में नामांकन से पहले आप रामलला के दर्शन करेंगे, और रामलला के दर्शन करने के लिए आपको इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि जनता आपकी सुन नहीं रही है। जब तक रामलला के दर्शन नहीं तब तक जनता से कोई सुनवाई नहीं। स्नेहाशीष जी आपको आवाज पहुंच पा रही है? शीश जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम पूजा जी आपका रुख कर देते हैं। पूजा जी देखिए, कन्नौज से पहले तेज प्रताप सिंह को टिकट दिया गया था और लगातार ये कहा जा रहा था कि कन्नौज हॉट सीट बनी हुई है। पहले लगातार अखिलेश यादव वहां से लड़ते आए थे और जीते भी थे, लेकिन अचानक से बदलाव होता है, तेज प्रताप को लाया जाता है और फिर से अचानक बदलाव होता है और फिर से कन्नौज की सीट पर अखिलेश यादव उतर जाते हैं। ये इतनी संशय की स्थिति अब क्यों बनी हुई है? अब तो चुनाव नजदीक है, फेजों में काम होने लग गया है, दूसरा चरण भी पास में है। आपका नमस्कार गुप्ता जी और सारी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, ये पार्टी की अपनी खुद की रणनीति होती है कि वह शेष नेतृत्व का डिसीजन पहले उन्होंने लिया, सोचा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर आप कह लीजिए कि पार्टी की रणनीति रही है। फिर वहां से जो है कार्यकर्ताओं की जो है डिमांड थी कि आप अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े वहां से, तो माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोई असमंजस की बात है। वहां से चुनाव कोई भी लड़ रहा हो, तो चाहे तेज प्रताप जी लड़ते चाहे अखिलेश यादव जी लड़ते, विजय जो है समाजवादी पार्टी होके ही निकल के आती हम लोग, क्योंकि जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो ऐसा नहीं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे या फिर तेज प्रताप जी चुनाव लड़ेंगे। जो चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे मुद्दों को लेकर जो है समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ में चुनाव लड़ रहा है। और अखिलेश यादव जी कन्नौज से आपको पता है कि कई बार सांसद रहे और इतिहास, लेकिन पिछली बार तो सुब्रत पाठक जीते थे। पिछली बार सुब्रत पाठक जो अब उम्मीदवार हैं कन्नौज की सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो पहले भी जीत चुके हैं। तो क्या ऐसा लगता है अखिलेश यादव को कि सुब्रत पाठक को अगर हराना है या कन्नौज की सीट को अपने पाले में करना है तो उतना ही दमदार व्यक्ति उतारना पड़ेगा, क्योंकि डिंपल यादव को हरा चुके हैं ना पहले सुब्रत पाठक जी? देखिए, माननीय डिंपल यादव जी को वहां हारी थी और जनता का वो डिसीजन था तो हमने उसको माना भी था। और ऐसा नहीं कि सुब्रत पाठक जी को हराने के लिए जो है कि नहीं उनको कोई हरा नहीं सकता या फिर हराने के लिए मजबूत चाहिए। समाजवादी पार्टी अब मजबूत है, मुद्दों के साथ है, चाहे तेज प्रताप जी लड़ते तो भी जो सुब्रत पाठक जी हारते और माननीय भी जीत होगी। किन मुद्दों पर कन्नौज की जनता आपको वोट दे, क्या ऐसा कर दिया कन्नौज के लिए? कन्नौज हमें क्यों जो वोट देते आई रही है? सुब्रत पाठक जी से पूछिएगा, सुब्रत पाठक जी ने वहाँ पे क्या कार्य किया हुआ है? अगर उन्नति के कार्य किए होते तो फिर उनको जो है भी चुनाव में जो है वो अपने कार्य को बताते। बिजली, पानी, वहाँ पे सारी समस्याएं हैं। जो जो समाजवादी पार्टी ने कार्य किया उसके आगे उन्होंने उसको फॉरवर्ड भी नहीं किया, वो वहीं पर रुक गया। नहीं, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठते रहे ना पूजा जी, स्नेहा शीश जी, लगातार। अब आप इंडिया गठबंधन है, एक ही है, एक ही पाले में दोनों पार्टियां हैं, लेकिन इस तरह का सवाल क्यों लगातार उठता है कि चुनाव सर पर है लेकिन अभी तक चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो अपने पत्तों को खोलना ही नहीं चाहती? किस बात का डर है सर भारतीय जनता पार्टी से? किस बात का डर है कि आप लोगों को अमेठी और रायबरेली में अब तक आप नाम तय नहीं कर पाए? अब इस बात को लेकर भी बात हो रही है कि रामलला के दर्शन पहले होंगे उसके बाद नामांकन होगा। देखिए, चुनाव हम लोगों को छद्म जो मायावी रूप धरने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लड़ना है, तो हम लोगों को मालूम है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। तो हमारी रणनीतियां क्लियर हैं और वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति हमारी बनी हुई है। हम लोग अपने पत्ते, वास्तव में ये पत्ते हम लोग नहीं खोलना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे साम दाम दंड भेद के हिसाब से जो राजनीति कर रही है, जिस तरीके से वो प्रताड़ित कर रही है सभी इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को और जिस तरीके से वो चुनाव को प्रभावित कर रही है, वो सूरत में भी दिख गया है। तो
हम लोग अपने पत्ते अभी नहीं खोलेंगे, हम लोग समय से खोल देंगे। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद है, उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है हर जगह और उनके अलाइज को, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में ये पूरी तरीके से संदेश जा चुका है कि प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव किसके खिलाफ हो रहा है, किन मुद्दों पे हो रहा है, हम उन मुद्दों के साथ है और किन के खिलाफ हमें लड़ना है, हम पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नामांकन से पहले अयोध्या जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कह रही है जनता सुनी नहीं रही है, इसलिए आपको जाना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग भाजपा के नैरेटिव पे काम नहीं करते हैं, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम लोग दिखावा वाले लोग नहीं है, हमारे मन में राम है, हमारे कर्म में राम है, हम राम राज्य की स्थापना के लिए महात्मा गांधी जी ने इस देश में राम राज्य के स्थापना के लिए काम किया है और उसी की आइडियोलॉजी के साथ, उन्हीं के आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस पार्टी आज भी काम करती है। पहले जा रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या, बता भी दीजिए, साफ कर दीजिए थोड़ा, जो अटकलें लग रही हैं वो सही हैं या गलत हैं? वक्ता जी, अटकलें जो लग रही हैं, अटकलों में कोई दम हो तो अपने जगह, लेकिन सबके राम दिल में बसते हैं और सबके राम हैं, तो इसलिए इस चीज को इतना हवा देना चुनाव में, बीजेपी ऐसा करती है कि मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगती है। हम लोग अपने विकासवादी सोच पे और हम लोग अपने मैनिफेस्टो, जो हमारा न्याय पत्र है, घोषणा पत्र है चुनावी, उसके ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम लोग किसी भी धर्म और राजनीति का कॉकटेल बनाने नहीं जा रहे हैं, हम लोग कोई शरबत घोल के नहीं पिलाने वाले हैं, हम लोग सीधे सीधे अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे राम रहीम इन मुद्दों पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लोग इस देश के विकास के लिए, और सबको मालूम है कि अगर यह देश भारत है तो यह सनातन धर्म के परंपरा का निर्वहन करने वाला देश है, तो यहाँ पे राम को झुठलाना भी अपने आप में एक हास्यास्पद है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो राम को भी मोदी जी के सामने गौना बना के दिखा दे रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ लड़ना है चुनाव। हम लोग पूरी मुस्तैदी से हैं, हम लोग अपने पत्ते खोलेंगे, समय से खोलेंगे और सबसे पहले आप ही लोग की जानकारी होती है, इसमें दिक्कत कहाँ है। ठीक है, कैप्टन आइसिंग जी, क्यों लगता है आपको ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई गठबंधन हो, कोई पार्टी हो, नहीं टिक पाएगी? देखिए, तैयारी तो बहुत जबरदस्त दिख रही है। कैप्टन आइसिंग जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आवाज आ रही है। मैं कह रही हूँ कि आप लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि गठबंधन काम नहीं करेगा। अब चाहे गठबंधन इंडिया गठबंधन की बात करें या तमाम दलों की बात करें, पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि आपके आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई काम नहीं आएगा, किसी तरह का उम्मीदवार आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं है? आप तो इस बात को भी कह रहे हैं कि कन्नौज में भारत पाकिस्तान का मैच होगा, ये किस तरह की मुद्दे क्या है? नहीं, भारत पाकिस्तान का मैच होगा से क्या मतलब है, क्या आप जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? देखिए बक्ता जी, जी हम इसलिए निस्संकोच है कि हमने विकास करे उत्तर प्रदेश में, 10 साल में हमने प्रूव करके दिखाया है जो ये 70 साल में नहीं कर पाए। अखिलेश यादव अपने पांच कार्यकाल उनके रहे, उनके पिताश्री के 3 कार्यकाल रहे, उत्तर प्रदेश की क्या हालत रही है वो अच्छी तरह से अखिलेश भी जानते हैं और कांग्रेस, उसकी सहयोगी कांग्रेस भी जानती है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश का क्या हाल बना दिया था, किस तरह से वहाँ भू माफिया, बालू माफिया, हर तरह के माफिया वहाँ उत्पन्न हो पैदा हो रहे थे डेली नए, और उनको ये पार्टियां, खास करके समाजवादी पार्टी इतनी इनको ताकत दे रही थी कि ये इनके सामने प्रशासन भी रोना नजर आता था। आज उनको हमने ध्वस्त कर दिया है, इस तरह के माफियाओं को आज हमने मट्टी में मिला दिया है, तो पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है कि हमारा हित कौन देख रहा है और हमारे अपोजिट में कौन है, चुनौती बड़ी होगी, चुनौती बड़ी होगी। अमेठी से राहुल गांधी हैं। हेलो, चुनौती बड़ी होगी आई सिंह जी, राहुल गांधी इस बार स्मृति ईरानी के सामने है अमेठी में। देखिए बक्का जी, राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, अब की बार वहाँ भी उनको बड़ा मुश्किल नजर आ रही है। राहुल गांधी वहाँ घबरा गए वायनाड में कि यहाँ भी चुनाव अब की बार में हार सकते हैं, इसलिए इतने दिन बाद आप सोचिए कि
कल दूसरे फेज की वोटिंग है और अब वो जाके डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वायनाड से भी अगली बार हार रहे हैं, तो उन्होंने दूसरी जगह मन बनाया है अमेठी से। नहीं चलिए ठीक है, अमेठी से वो हारने के बाद 5 साल तक मुड़ के देखने नहीं आए कि अमेठी कहाँ है। कह रहे थे कि डरे हुए हैं और अंतिम वक्त में आकर ये डिसाइड करते हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि आपने इस तरह का भय बना रखा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अपने पत्ते खोलने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है आपकी रणनीति किस तरह की है, इसको लेकर उन्हें अपने पत्ते खोलने की जरूरत नहीं है, साफ तौर पर कह रही है कांग्रेस। देखिए बत्ता जी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आम जनता के लिए होती, आम विकास के लिए होती है, लोगों के जो उनके अपने राइट है उसके लिए होती है, संविधान के लिए होती है, हमारी कोई रणनीति इस तरह से नहीं होती है। अगर इन्होंने 70 साल में कुछ किया होता, जनता के लिए भी काम किए होते, तो आज शायद इनको इतने भयभीत और डरने की जरूरत नहीं थी। समस्या तो यही है कि ये परिवार की पार्टियों ने सिर्फ परिवार के लिए किया है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सारे ही इन्वॉल्व है। उधर अखिलेश को देख लो कि पूरा परिवार चुनाव में कूद पड़ा है, पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, तो ये एक परिवार की पार्टियां है, भयभीत ये अपने कर्मों से है, क्योंकि जनता इनको अब नकार चुकी, जनता जान चुकी है, जनता को परिवार नहीं चाहिए, जनता को शासन चाहिए, अच्छा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। स्नेहशीर जी देखिए क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि जनता को जो चाहिए वो आप दे ही नहीं पा रहे हैं, जनता को आप समझा ही नहीं पा रहे हैं, भरोसा दे ही नहीं पा रहे हैं कि आप आएंगे तो बेहतर काम करेंगे, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। स्नेहशीर जी आवाज आ रही है। देखिए दिक्कत कहाँ है कि कैप्टन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैप्टन साहब ने अग्निवीर योजना के खिलाफ कितनी बार आवाज उठाई है, ये अपने ही विभाग के लिए मैं इनका बोल दे रहा हूँ, कितनी बार आवाज उठाई है इस पे इनसे बात कर लीजिए तो इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग क्या बात करेंगे, वन रैंक वन पेंशन पे बात करनी होगी, इसी पे बात कर लीजिए इनसे, ये नहीं जबान खोल पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो जमीर है, जब देश के लिए सेवा इन्होंने की थी और आज जब इस बात पे आ रहा है, तो आज मोदी जी की जो भक्ति आप लोग कर रहे हैं, आप खुद बताइए इस देश को कि क्या आज आपके देश की सीमाएं सुरक्षित है, आप बताइए, आप हमसे ज्यादा जानकार होंगे सामरिक डिस्ट्रिक्ट पे, सामरिक विषयों पे, आप आइए चर्चा कीजिए, आप किन मुद्दों पे ले जा रहे हैं, आप भारत पाकिस्तान पे ले जा रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम पे ले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव में वो हार रहे हैं इसलिए यहाँ पे भी आ जा रहे हैं, तो मोदी जी दो दो जगह से चुनाव लड़ जाते हैं, क्यों लड़ जाते हैं, क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं वो, यानी हार रहे थे गुजरात से आ गए थे बनारस, ये चीज बोलने वाली बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं से भी चुनाव कोई लड़ सकता है, और क्या ईवीएम सेट कर रखा था क्या आपने कि आपको रिजल्ट अभी ही पता चल गया, इस तरीके की बात है। देखिए मैं तो पहले ही बोल रहा था ना कि सूरत में क्या हुआ, सूरत में कैसे इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे और साथ ही साथ 8-8 प्रत्याशियों का इन्होंने नामांकन वापस करा दिया, तो किन लोगों से लड़ना है वो हमें मालूम है, देखिए कैसे लड़ना है ये हमें मालूम। ठीक है पूजा जी, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कन्नौज की सीट को लेकर ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अखिलेश यादव की तो विचारधारा पाकिस्तानी है। देखिए कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, अगर जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने कार्य किया हुआ है, तो ये कार्यों पे क्यों नहीं वोट मांग ले रहे हैं, जब से फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है तब से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के बोल बिगड़े हुए हैं, वो सब भूल गए, इनके मैनिफेस्टो से जो है महंगाई चली गई, रोजगार चला गया, ये सारी चीजें मैनिफेस्टो से चली गई, अब उनके जुबान से भी चली गई है, वो क्यों मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो क्यों धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब है आतंकवादी, पाकिस्तान का मतलब है भ्रष्टाचार, पाकिस्तान का मतलब है हत्यारा, पाकिस्तान का मतलब है लुटेरा, यानी कि अखिलेश यादव ये सब करते हैं, कहने की में जो है फेक एनकाउंटर बढ़ा हुआ है, सबसे टॉप पे है फेक एनकाउंटर में, आप बताइए गलत नहीं हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने गलत कह दिया, चंडीगढ़ में आपने खुली आंखों से जो है हत्या होते हुए देखी लोकतंत्र की, उसके बाद में आ जाते हैं मणिपुर, मणिपुर में एक दिन बिल्कुल वोटिंग ही नहीं हुई, बिजनौर चले जाइए, बिजनौर में एक गांव में एक वोट पड़ा, आप कल्पना करिए कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। क्या लग रहा है आपको इस स्थिति में, क्या लग रहा है आपको, कन्नौज आपके हाथों में है,
कन्नौज की जनता आपके समर्थन में है? कन्नौज ही नहीं, कन्नौज ही नहीं, पूरे जो है देश की जनता भाजपा के अगेंस्ट है। देश की जनता उन्नति के लिए, प्रगति के लिए वोट करने जा रही है और कन्नौज में देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी। जैसे पहले इतिहास बना था उससे और खूबसूरत इतिहास बनेगा, जनता अपनी उन्नति के लिए वोट करेगी। जी जी, स्नेहशीष जी क्या लग रहा है अमेठी रायबरेली इस बार आपके होंगे? पिछली बार तो अमेठी निकल गया था हाथ से। अमेठी रायबरेली के साथ साथ इस देश में जितने भी अमन परस्त और विकासवादी लोग होंगे वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, और इंडिया अलायंस के लिए मैं पूरी तरीके से बोल देना चाहता हूं कि जितने भी युवा, महिलाएं, श्रमिक और किसान भाई हैं वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बने। इसलिए वो चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव आम जनता लड़ रही है, चुनाव आम भारतीय लड़ रहे हैं। और किनके खिलाफ लड़ रहे हैं? पाकिस्तान की बी टीम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से ही मेरा आखिरी सवाल है, क्या सर कितनी बड़ी चुनौती लग रही है? क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन को आप कह रहे थे ये तो टूट जाएगा, इसकी तस्वीर बेकार नजर आ रही है, ये बिखर जाएगा, लेकिन अब तो एकजुट नजर आ रहा है और चुनौती बड़ी नजर आ रही है। पप्पा जी देखो, इंडिया गठबंधन में आज कौन बचा है? कोई है? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के अलावा और कोई है नहीं, और राहुल गांधी पावर बदल दिए कैप्टन साहब। सुने बीच में ना बोले, आप बीच में बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। राहुल गांधी को पूरा देश नेता मानता, जमीन पे आइए, बंद कमरों से नहीं। और राहुल गांधी को देश नेता मानता नहीं है। प्रियंका गांधी के पति ने जो है जमीनों का घोटाला किया था, तो लोग प्रियंका गांधी को भी जानते हैं कि जिसका पति घोटाला कर चुका हो उसकी पत्नी आ गई तो वो पूरे देश को ही बेच के खा जाएगी। अब रही पाकिस्तान की बात, तो आतंकवादियों को जब मुलायम सिंह ने इस बात को कहा था, भाजपा ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया रेकॉर्ड बोन पे, जिसे सुप्रीम कोर्ट कह रही घोटाला, पूरा देश देख रहा है इतना बड़ा घोटाला। इलेक्टोरल बॉन्ड भी तो बड़ा घोटाला है, लोगों ने देखे इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी बीजेपी ने कर रखी हुई है। ये पार्टियां घोटाले के अलावा और आप घोटाला करने के लिए जो है सदन से लो पास करते हैं। आप सोचिए घोटाला करने की कितनी मंशा है, सदन से लो पास करके घोटाला करेंगे। आपकी सरकार बनेगी फिर आप देश बेचने के लिए जो सदन से लो पास करेंगे, जब देश बेचा जाएगा रेलवे आपके प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।